हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन दोस्तों। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली जो उल्टी है, वोमिटिंग एंड नोजिया, उसके क्या कारण होते हैं, कितने परसेंट महिलाओं में होता है और उससे बचने के क्या उपाय और क्या इलाज मॉडर्न मेडिसिन में है, इन सारे विषयों पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, प्रेगनेंसी के शुरुआत के जो महीने हैं उसमें उल्टी एक बहुत ही कॉमन समस्या है। कुछ महिलाओं में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, कुछ में माइल्डर फॉर्म में होती है, तो अराउंड ये 70-80% महिलाओं में होती है। अच्छी बात यह है कि शुरुआत के 3 महीने ही रहती है, 3 महीने के बाद ज़्यादातर महिलाओं में ख़त्म हो जाती है, 10 से 15% महिलाओं में पूरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है और ज़्यादातर केस में ये माइल्डर फॉर्म में होती है, मतलब काफ़ी लाइट सिम्टम रहता है। कुछ केसेस में बहुत सीवियर रूप ले लेती है, उसको हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम मेडिकल भाषा में बोला जाता है। उस केसेस में लेडी को डिहाइड्रेशन हो जाता है, आँखों में प्रॉब्लम, शरीर के अंदर के आर्गन में भी डैमेज हो सकता है, बेबी पे बुरा असर पड़ सकता है। उस केसेस का इलाज बिल्कुल डिफरेंट है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो आइए बात करते हैं कि होता क्यों, शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं उसमें क्यों इतनी वोमिटिंग आती है। तो सबसे पहली बात कि शुरुआत के 3 महीने में ज़्यादातर केसेस में वोमिटिंग के जो लक्षण है वो प्राइमरी ग्रेविडा, मतलब कि जो पहली बार लेडीज प्रेग्नेंट हो रहे हैं उनमें होती है, और शरीर में बीटा एससीजी हार्मोन निकलता है जो बच्चे के भ्रूण के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में सहायक होता है, उस केसेस के कारण ये होता है। अब वोमिटिंग आ रही है तो हमें क्या सावधानी रखें ताकि इसके जो सिम्टम्स उसको कम से कम किया जा सके या तो बिल्कुल ही नहीं आए, क्योंकि अगर सिम्टम्स इस तरह से आते रहेंगे तो हो सकता है कि कमजोरी होने के चांसेस रहेंगे, आप अपना रूटीन का काम नहीं कर पाएंगे और शरीर कमज़ोर होगा तो बेबी की भी हेल्थ अफेक्टेड हो सकती है। सो आइए वन बाई वन के अलग अलग उपाय हैं उन सारे विषयों पर बात करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जैसे ही किसी को ज़्यादा वोमिटिंग हो, सबसे पहले उसको रीअश्योरेंस देना है उस महिला को कि आपकी ये जो वोमिटिंग है शुरुआत के 3 महीने ही होने वाली है, ना तो पूरी प्रेगनेंसी में होगी ना तो लाइफ लॉन्ग होगी। उससे उसको साइकोलॉजिकल काफ़ी सपोर्ट मिलेगा कि ये चलो 3 महीने बाद ही ख़त्म हो जाएगी, तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी खुद के शरीर में आएगी और काफ़ी उससे आराम मिलेगा। जो पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है करने वाली है खान पान में बदलाव है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो शुरुआती स्टेज में डाइट के कारण ही होती है। ज़्यादातर केसेस में ये प्रॉब्लम लिक्विड डाइट, मतलब खाली पेट पानी पीने से या फैटी फूड लेने से होती है। अगर सुबह के उठते ही खाली पेट पानी नहीं पिया जाए, खाली पेट चाय नहीं पिया जाए तो काफ़ी कंट्रोल होगा। जब भी सुबह उठें तो बिस्तर से उठने से पहले हाथ पांव थोड़ा सा चला लें, एक हल्के सा एक एक्सरसाइज हो जाएगा। सुबह ड्राई टोस्ट या ड्राई बिस्किट लें बिल्कुल मॉर्निंग में उठते ही खाली पेट, उससे वोमिटिंग का जो सेंसेशन है कम हो जाएगा। फैटी फूड अवॉइड करना है प्रेगनेंसी के दौरान, खाने के साथ में ज़्यादा पानी नहीं पीना है, क्योंकि जैसे ही स्टमक फुल होता है उस भरने के बाद वोमिटिंग के सेंसेशन आना, गैस ज़्यादा बनना, हैवीपन सा फील होना, इन सारे के चीज़ों को अवॉइड करा जा सकता है। रेगुलर इंटरवल में थोड़ा थोड़ा खाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स लेना, हरी सब्जियां लेना है, इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। जो थर्ड नंबर की चीज़ है फ्लूड के बारे में ये है कि कम से कम 2 से 3 लीटर रोज का लेना है पानी। उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो वोमिटिंग का जो सेंसेशन एक बार खूब पानी पीने से वो कम हो जाएगा, मतलब जो फ्लूइड लेना है वो थोड़ी थोड़ी सिप में लेना है, 2-2 घूंट 4-4 घूंट आधे आधे घंटे में, 1 घंटे में। उससे एक तो डिहाइड्रेशन भी मेंटेन हो जाएगा और जो वोमिटिंग का सेंसेशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब अगली बात करते हैं दवाइयों की। दवाइयों में आता है कि एंटेसिड आते हैं, कैल्शियम बेस्ड जो सोल्यूशन होते हैं उनको लिया जा सकता है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट बर्न वगैरह हो रहा है, पेट फुलनेस हो रही, गैस ज़्यादा, डकार ज़्यादा रही, उस केसेस में S2 ब्लॉकर्स दवाई होती है रेमेडीज, ये सारे आप डॉक्टरी सलाह से ले सकते हैं। PPI होती है प्रेनाटाल रेमिप्रोजॉल, ये पेट के अंदर एसिड का प्रोडक्शन होता है उसको कम कर देते हैं, इसलिए शरीर में आराम मिल जाता है। दूसरे भी मेडिकेशन में बात करें तो ओंडेसिट्रान वगैरह है या दूसरे एंटीहिस्टामिनिक प्रिपरेशन होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, स्पेशली डॉक्सेलामाइन प्लस पायरिडॉक्सिन का कॉम्बिनेशन काफ़ी चलता है, पर ये अपने से दवा नहीं लेना है, डॉक्टरी सलाह से लेना है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में डाइट में बदलाव करने से और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने से ही काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। एक चीज़ और कर सकते हैं, विटामिन जो होते हैं शुरुआत में, स्पेशली आयरन कंटेनिंग जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसके कारण उल्टी होना, जी घूमना, मेटालिक टेस्ट रहना काफ़ी कॉमन हो सकता है, तो डॉक्टर से सलाह लेके शुरुआत के 3 महीने में उसके डोज को कम किया जा सकता है, या अगर हीमोग्लोबिन ठीक है तो बंद भी करा सकता है, पर अपने से नहीं करना है। फोलिक एसिड वाले जो प्रिपरेशन है उसको लेते रहना चाहिए, तो ये जो विटामिन प्रिपरेशन होते हैं आयरन वाले उसको कम करने से भी थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। और कुछ चीज़ों की बात करें तो कुछ महिलाओं में लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, लैक्टोज मतलब एक तरह की शुगर है जो मिल्क के अंदर रहती है, उसको आप
अवॉइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर दूध पीने से गैस बन रही है तो वो भी एक कारण हो सकता है। एच पायलोरी का इन्फेक्शन होता है पेट के अंदर, उसमें गैस ज़्यादा बनने लगती है पेट में, तो अगेंस्ट में एंटीबायोटिक दीजिए। तो दोस्तों ये सारे अलग अलग हो गए जो क्या उपाय हो सकते हैं प्रेगनेंसी के शुरुआती स्टेज की जो वोमिटिंग होती है, जो नोसिया होता है, उसके बाद सीवियर वाली कंडीशन होती है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। जो सीवियर कंडीशन होती है उसमें डिहाइड्रेशन शरीर में हो जाएगा, ज़्यादा तेज हेडक हो सकता है, लो बीपी हो सकता है, कीटोसिस एक कंडीशन होती है जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट में होती है कि बॉडी फैट का यूटिलाइजेशन करने लगती है, इसलिए बॉडी में कीटोन बॉडी बनने लगती है। इस तरह के जो लक्षण होते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम हो जाता है, ज़्यादातर ये नहीं होता है, बच्चे पर भी बुरा असर पड़ सकता है, मदर पर भी बुरा असर पड़ सकता है। तो अगर किसी महिला को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही कि उससे बर्दाश्त ही नहीं रही, वोमिटिंग बहुत प्रॉब्लम हो रही, इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना है। और उसका इलाज है कि सबसे पहले तो हाइड्रेशन मेंटेन करना पड़ेगा, तो हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है एक दो दिन के लिए, आवी फ्लूड देना है, सोडियम पोटेशियम इन सब के बैलेंस मेंटेन करना है। उसके बाद फिर वोमिटिंग के लिए जो दवाइयाँ चलती हैं PPI इनहिबिटर है, मतलब एसिड बनवाने वाली दवाइयाँ, H2 ब्लॉकर, एंटी हिस्टामिनिक है, कुछ कुछ केसेस में स्टेरॉइड वगैरह दिया जा सकता है, तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ये सारा प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले जो अलग अलग कारण होते हैं उल्टी के और मितली के, उन सारे विषयों पे मैंने जानकारी दी है। इससे कैसे बचा जा सकता है, इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, इसका क्या इलाज है, इन सारे विषयों पे अभी मैंने आप लोगों को जानकारी दी है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। सो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कोई अलग टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। बाय बाय।